ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 35 गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर की थी। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर आपका डाउट क्या था? फोर। क्वेश्चन नंबर फोर देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये। हमने जितने भी क्वेश्चन वोल्ट मीटर के किए, वोल्ट मीटर इसलिए बनाया गया ताकि वो वोल्टेज की रेंज को बढ़ा सके। तो अगर आपका एमीटर कम वोल्टेज मेजर करता है और वोल्ट मीटर अगर आप चाहते हो ज़्यादा वोल्टेज मेजर करे, तो आप एक हायर रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हो और रेजिस्टेंस बढ़ाते हो तो रेंज बढ़ जाती है। लेकिन वो ये वो कह रहा है कि आपको वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी ही नहीं है, आपको वोल्ट मीटर की रेंज कम करनी है। रेजिस्टेंस हाई करने से, सीरीज में लगाने से रेंज बढ़ती है, और कम करने से रेंज कम हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस को आपको अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा? कम। कम करने का पहला तरीका, आप रेजिस्टेंस को काट दें और फेंक दें। उसने मना किया, ऐसा कुछ बोला ही नहीं उसने काटे और फेंके। उसने कहा कम करने का एक तरीका है कि आप इस रेजिस्टेंस के साथ एक नई रेजिस्टेंस पैरल में लगा लें, कि पैरल में रेजिस्टेंस लगाने से ओवरऑल रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाती है। तो बताओ कितने रेजिस्टेंस पैरल में लगाएं ताकि वोल्टेज जो है वी की बजाय वो क्या मेजर करे? वी अपॉन एन मेजर करे। तो पहले जो वोल्ट मीटर था वो वी मेजर करता था, करंट उसमें आए और जो जो उसकी रेजिस्टेंस है वो जी है। अब जब वो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगेगी एस, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस, और नई वोल्टेज की रेंज क्या हो जाएगी? वी डैश। और क्वेश्चन में गिवन है कि वी डैश क्या है? वी बाई एन। तो यहाँ से सॉल्व करके एस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया था फिफ्थ। फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है, अ कैंडिडेट कनेक्ट्स अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ए एंड अ वोल्टमीटर वी एंड अ रेजिस्टेंस आर एज शोन। वोल्टमीटर 20 वोल्ट रीडिंग दिखा रहा है और एमीटर 4। तो ये वोल्टमीटर 20 वोल्ट है और एमीटर 4। तो मुझे पता है कि अगर ये 4 एम्पियर करंट दिखा रहा है, ये 4 एम्पियर करंट ऐसे दिखा रहा है, तो ये 20 है, तो ये भी कितने वोल्ट है? ये 20 वोल्ट है। 20 वोल्ट है तो 20 वोल्ट है। तो इसके अंदर जो करंट होगा वो 4 एम्पियर से कम होगा, क्योंकि 4 एम्पियर का करंट डिवाइड हो जाएगा ऊपर नीचे, क्योंकि 4 एम्पियर कुछ ऊपर कुछ नीचे। तो जो करंट होगा इसमें वो कितना होगा? 20 डिवाइडेड बाई कितना? आर। वो एटलीस्ट 4 एम्पियर से तो क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ से जो आर है वो क्या आ जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। तो R ग्रेटर देन क्या जाएगा? 5 इज द आंसर। ठीक, नेक्स्ट सिक्स्थ। एम मीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ जी ओम एंड रेंज आई एम्पियर। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूज्ड इन पैरेलल टू कन्वर्ट इनटू एम मीटर ऑफ रेंज कितना? N इंटू आई। तो क्या करें इसके अंदर? इसमें तो शंट का फॉर्मूला ही तो लगाना है। इसमें शंट का फॉर्मूला ये लगाया, देखो अच्छो ये बताते हैं जी का चक्कर क्या है। देखो इसके अंदर ये एन की वैल्यू क्या है, इसमें ये बताता हूँ एन इंटू आई का मतलब क्या है। इसमें देखो सबसे पहले एन इंटू आई का मतलब इसमें ये है कि अगर आपका जो गैल्वेनोमीटर का करंट है वो आई जी है, और आप चाहते हैं कि ज़्यादा करंट मेजर करें, कितने टाइम ज़्यादा करंट मेजर करें? आई जी। तो एन का मतलब क्या होगा यहाँ पर? आई डिवाइडेड बाई आई जी। तो यानी कि रेंज एन टाइम्स होगी, इसका मतलब ये है करंट रेंज एन टाइम बढ़ गई। तो आप एक काम करें, शंट का फॉर्मूला पता है आपको, आप न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लें आई के साथ, आई जी के साथ। तो न्यूमिनेटर क्या बन जाएगा? जी। और ये क्या बन जाएगा? आई डिवाइडेड बाई आई जी माइनस वन, और ये क्या है? एन। आंसर आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन में डाउट, नाइन में। क्वेश्चन नंबर नाइन में गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस 10 ओम है और फुल स्केल डिफ्लेक्शन है जब करंट 0.04 एम्पियर है। इट इज डिजायर टू कन्वर्ट इट इनटू एम मीटर ऑफ रीडिंग 10 एम्पियर इन अ फुल स्केल। तो आप चाहते हैं कि ये 0.04 की जगह 10 एम्पियर मेजर करे, तो शंट तो लगानी पड़ेगी। द ओनली शंट अवेलेबल इज 0.06 ओम, बस इतनी अवेलेबल है। रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू व्हाट? तो गैल्वेनोमीटर के साथ आपने कुछ आर क्या लगाया? सीरीज में। तो आर की वैल्यू क्या है? देखो अब ये डायग्राम ऐसा बन गया, शंट तो लगेगी लगेगी, साथ में ये भी लगेगा आर। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये दोनों पैरेलल में है, तो यानी कि आई जी इंटू आर प्लस जी ये रहा इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। ये नया फॉर्मूला बन गया शंट का आंसर।
एक मॉडिफिकेशन कर दी ना ऊपर, आर सीरीज में भी लगा दिया, ठीक। और ठीक है 15th क्वेश्चन में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज 150 इक्वल डिवीजन, 150 डिवीजन हैं, करंट सेंसिटिविटी 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर है। तो मुझे पता है कि 150 डिवीजन हैं और 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर का मतलब कि 10 डिवीजन के कॉरस्पॉन्डिंगली करंट इतने हैं, तो 150 का क्या होगा, 150 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 मिली एम्पियर आ गया, तो यहाँ से करंट आ गया। और ऐसी वोल्टेज भी क्वेश्चन में गिवन है, वोल्टेज कितनी गिवन है, 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट, मिली एम्पियर नहीं है, मिली वोल्ट होगा ये, तो यहाँ पर ये मिली वोल्ट है ये रहा। तो आपको इसमें करंट सेंसिटिविटी पता है, आपको इसमें वोल्टेज सेंसिटिविटी पता है, आप दोनों की सेंसिटिविटी को डिवाइड करके क्या निकाल सकते हैं, इसकी रेजिस्टेंस, तो जी आ गया आपके पास। अब वो कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है, पर हमें ये निकालना नहीं है, हमें निकालना है कि इन ऑर्डर दैट ईच डिवीजन रीड्स 1 वोल्ट, हम चाहते हैं कि एक डिवीजन क्या रीड करे, 1 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस सीरीज में क्या लगेगी, ये क्वेश्चन है। तो आप एक चीज़ देखो, इस क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मूला लगेगा सीरीज में वो ये लगेगा, है ना, ये तो पता ही है सीरीज में ये फॉर्मूला है। इसमें गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी है वो निकाल लेते हैं 5, वो कैसे बताता हूँ, और वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी है 150 को भी बताता हूँ। देखो ये निकालने पड़ेंगे कैसे, आपको इसमें IG की वैल्यू आपने निकाल ली, VG आपको गिवन है, G आपको गिवन है। अब आपको पता है कि 150 डिवीजन हैं इसमें, एक डिवीजन कितना रीड करे, 1 वोल्ट वो कह रहे, तो 150 डिवीजन कितना रीड करेंगे, 150 वोल्ट, तो आपको कम से कम V तो पता लग गया 150। IG आपने यहाँ से करंट सेंसिटिविटी से निकाल ली है, तो पुट कर दिया आंसर आगे, और कुछ चाहिए नहीं आपको करने के लिए, करंट सेंसिटिविटी से IG आ गया और वैसे मल्टीप्लाई करके आपके पास V की वैल्यू आ गई आंसर, ठीक। फाइव जी तो आ गया ना, डिवाइड करके सेंसिटिविटी को डिवाइड करके जी आ जाएगा, ठीक क्लोज, ठीक है।